जो हमने लास्ट टाइम गेट्स किए थे उसमें पहला गेट था और गेट। और गेट का डायग्राम मैंने बताया था। और का डायग्राम ये है, ये डॉटेड देख रहे हो, ये और का डायग्राम है। लेकिन और गेट के अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है, ये एनसीईआरटी में तो नहीं आता, सिलेबस में नहीं है, बट ये कंपटीशन में बहुत आता है। वो ये डॉटेड लाइन हटा देगा और अंदर से ऐसे चार फिगर देगा उल्टी सीधी, कहेगा कंस्ट्रक्शन मार्क करो कौन सा गेट और गेट है। तो प्लीज याद रखो, दो डायोड लगे होते हैं और गेट के अंदर, और गेट में एक रजिस्टर लगी होती है जो अर्थ होती है। तो डायग्राम याद करना है आपने और गेट का, इसे प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। तो और गेट का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट है और गेट का जो एक एनालॉग डायग्राम है, मीन्स कि और गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल डायग्राम, वो ये डायग्राम है। याद तो नहीं है फिर भी बता देता हूँ। ये दो स्विच लगे हुए हैं, ये ए है, ये बी है, ये और गेट का एक्सप्रेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1 है और आंसर 0 1 1 और 1 है। यहां पर क्या किया, दो स्विच लगा दिया। अगर स्विच ऑफ है फिर तो 0 0 है, अगर कोई भी ऑन है तो 1 है, अगर बल्ब जग गया तो 1 है, बुझ गया तो 0 है। तो देखो 0 0 विल गिव 0। अगर दोनों खुले हुए हैं तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, बल्ब ऑन नहीं होगा तो आंसर 0 होगा। फिर 0 1 विल गिव 1, दोनों में से एक भी ऑन कर दो तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब जग जाएगा, बल्ब जगेगा तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 0 विल गिव 1, तो ये 1 है ये 0 है, इट विल गिव 1। नेक्स्ट है 1 1 विल गिव 1, 1 1 का दोनों ऑन होंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है यहां तक। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, और गेट को। नेक्स्ट है इसके साथ ही अब एंड गेट है। एंड गेट का आउटर डायग्राम तो पता है, इनर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दो डायोड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उल्टे लगे होते हैं, इधर को, इधर की बजाय इधर को लगे हुए हैं। तो ये और गेट है, ये रजिस्टर है, ये एक बैटरी भी लगी हुई है इंपॉर्टेंट। तो इसकी कंस्ट्रक्शन आपने याद रखनी है, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। इसका जो डायग्राम है एंड गेट का डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो ऐसा। ये रहा एंड गेट के अंदर जो ट्रुथ टेबल है वो कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है, ये ए है ये बी है, 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये ए इंटू बी है, मल्टीप्लाई करके 0 0 0 और 1 है। अगर दोनों में से कोई भी ऑन होगा तो ही बल्ब ऑन होगा, दोनों ऑन होगा तो ही बल्ब ऑन होगा, एक भी ऑफ हो गया बल्ब ऑन नहीं होगा, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर इसका डिब्बा तो पता है आपको कैसा होता है, लेकिन अंदर देख लो ध्यान से। इसके अंदर एक रेजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर भी एनपीएन है, और साथ ये किया नहीं, सिलेबस में नहीं है पर फिर भी आप कंस्ट्रक्शन याद कर लो, आई हुई है। ट्रांजिस्टर है और एक रेजिस्टर और एक बैटरी है और ये अर्थ है। तो अंदर का डायग्राम आपको प्लीज याद रखना है इसमें। तो नॉट गेट का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, तीनों डायग्राम को याद ही करने से कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद इसका जो डायग्राम है, इसका जो बेसिक डायग्राम है वो कैसा है, इसका बेसिक डायग्राम ऐसा है, जिसके अंदर ये आपके पास एक बल्ब है ए एंड बी, तो ये ए है, ए ही है रादर, 0 और 1, या तो बल्ब ऑफ, ये स्विच ऑफ होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, सारा करंट बाहर से आ जाएगा। इसे ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, बल्ब ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा करंट फिर यहां से चला जाएगा, ठीक है। तो ये गेट्स की कंस्ट्रक्शन है जो आ सकती है। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स हमने ऑलरेडी कर लिए थे, नैंड गेट कर लिया था, एक्स और गेट किया था। एक सर्किट होता है आईसी, आईसी को का नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट एक ही चिप पे लगे होते हैं, और कैसे रेजिस्टर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, डायोड लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ अ स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप होती है। आईसी वो छोटे छोटे होते हैं, आपके मोबाइल फोन के अंदर भी आईसी लगे हुए हैं। आईसी के अंदर इतनी छोटी छोटी फैब्रिकेशन होती है, जबरदस्त मशीन होती हैं, 1 1 हजार 2 2 हजार कॉम्पोनेंट इतनी सी जगह पे फैब्रिकेट कर देते हैं। मतलब इतनी सी जगह में वो अंदर डायोड भी होंगे, उसके अंदर रेजिस्टर्स भी होंगे, कैपेसिटर भी होगा, ट्रांजिस्टर भी होगा, सब कुछ, बस आईसी का आईसी फिट कर देते हैं। ये मशीन्स के लेवल पे काम चलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर एक मान लो चिप के ऊपर 100 और 1000 के बीच में कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं, चाहे रजिस्टर कैपेसिटर कुछ भी हो, उसको बोलते हैं मीडियम स्केल आईसी, MSI, और जिसमें 1000 से ज्यादा है उसको LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं उसे। इंटीग्रेटेड सर्किट का फायदा ये है कि ये बहुत कम पावर लेते हैं और बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं। नुकसान ये है, अगर ज्यादा पावर चली जाए
इनमें धुआं निकल जाएगा क्योंकि सारे सेमीकंडक्टर के बॉन्ड टूट जाएंगे और ये सड़ जाएंगे। ठीक, तो इनके फायदा नुकसान बता दिया, आते नहीं है पर वैसे बता दिया। इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है ये हमने कर लिया था, कि ये NAND एक्टिंग लाइक NOT है। तो गेट के फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं ये सब लास्ट टाइम हमने कर लिए थे। इसके बाद हमने जो करना है वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे।